हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 30 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। जो हमारे पिछले 5 या 6 दिन की पेंडिंग है वो मैं कवर कर दूंगी। बाकी चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द ईरान चाइना पार्टनरशिप टू रेज छाबहार पोर्ट्स ग्लोबल स्टेटस। फाइन, तो चल गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी अंडर GS2। फाइन, अभी क्या है, एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है किस किस के बीच में, ईरान और चाइना के बीच में, जिसमें हमने क्या किया है, मतलब अब इस एग्रीमेंट से क्या होगा, चाइना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर करेगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप करेगा छाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के साथ। फाइन, रिसेंट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड चाइना हैज़ इंक्रीज द चांसेस ऑफ चाइनीज़ पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ छाबहार पोर्ट। फाइन, इससे पहले चाइना ने क्या किया था, 25 साल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया था किसके साथ, ईरान के साथ, जिसमें उसने कमिटमेंट किया था टू देयर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो 2016 में एस्टेब्लिश हुई थी। फाइन, अब क्या है, अगर देखो आपको पता है पहले छाबहार पोर्ट को डेवलप करने की जो जिम्मेदारी थी वो इंडिया को दी हुई थी। अब क्या है, अगर चाइना इस पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करती है तो कहीं ना कहीं को इंडिया की जो डील है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। ये क्रिटिकल कंसर्न शो कर सकते हैं बिकॉज जो पोर्ट है वो ऑफन इट्सेल्फ सीन एज अ काउंटर बैलेंस टू ग्वादर पोर्ट, क्योंकि कहीं आपको पता है पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है वो चाइना के इंटरफेरेंस के साथ बनाया जा रहा है, और उसे काउंटर करने के लिए हम इंडिया क्या कर रहा था, छाबहार पोर्ट बना रहा था ईरान में। लेकिन एक बात बताओ, अब चाइना भी मतलब छाबहार पोर्ट को बना रहा है तो इंडिया की जो हजमनी जो काउंटर कर रहा था चाइना की वो कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड हो जाएगी अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। फाइन, इसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी आएगी। द एडिशन ऑफ ईरान टू द चाइना पाकिस्तान, मतलब कि चाइना पाकिस्तान को पता अच्छे दोस्त हैं, अगर इसमें ईरान भी आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कहीं ना कि जो इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी है या जो इंडिया के जो इंटरेस्ट अफगानिस्तान उन पे भी कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंचेगा। तीसरी बात है कि जो इंडिया की पोजीशन है वेस्ट एशिया, जैसे चाइना ईरान एक्सेस, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की जो पोजीशन है वो वीकन भी हो सकती है गल्फ रीजन में। फाइन, अब आपको छाबहार पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए एंड आई थिंक आपको पता भी होगा, ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है एट सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में, जहाँ कहाँ पे ईरान के एनर्जी रिच प्रोविंस में ऑन मकरान कोस्ट। इसको ज्वाइंट डेवलप किया जा रहा है किस किस के द्वारा, इंडिया ईरान अफगानिस्तान के द्वारा, फॉर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब यहाँ पे हम गुड्स और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। छाबहार के 2 टर्मिनल्स हैं, एक तो शहीद कलंतारी है, एक शहीद बहस्ती है, जिसे हम फर्स्ट फेज ऑफ छाबहार पोर्ट भी बोलते हैं। फाइन, आपको पता होना चाहिए जो छाबहार पोर्ट है वो इंडिया को डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू द सेंट्रल, मतलब छाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया सेंट्रल एशिया और यूरोप कंट्री से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है बिना पाकिस्तान के थ्रू जाए हुए, और छाबहार कहीं ना कहीं प्रपोज करेगा, वो लिंक करेगा किसके तरफ, टू इंटरनेशनल नोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के तरफ। फाइन, नेक्स्ट न्यूज स्टार्ट करते, दैट इज़ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट, दैट इज़ अ PM किसान फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी। ये जो हमारी न्यूज़ है आइदर इन सोशल इश्यूज़ और एग्रीकल्चर सेक्शन में कवर होगा। अभी क्या है, COVID-19 केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपको पता ही है, तो पहली जो इंस्टॉलमेंट, आपको पता है PM किसान स्कीम के अंदर हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 रुपये देते हैं, तो इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट थी जो 2021-22 की वो थोड़ा डिले हो रही है। PM किसान आपको पता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें क्या करते हैं हम जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, मतलब कि जिन फार्मर्स के पास लैंड है उनको हम इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इरिस्पेक्टिव, मतलब कि चाहे वो जितना मर्जी हेक्टर्स का हो वो मायने नहीं रखता, बस जो भी फार्मर जिनके पास लैंड है उनको हम इनकम सपोर्ट बोलते हैं। इसका फार्मर्स की जो भी फाइनेंशियल नीड्स है सो दैट वो सीड्स खरीद सकें एग्रीकल्चर के लिए या कुछ भी खरीद सकें डोमेस्टिक नीड्स के लिए, उनको वो प्रोक्योर कर सके, प्रोक्योर मतलब परचेज कर सके। प्रोविजंस की आपको पता होगा PM किसान स्कीम का 6,000 रुपये हम 1 साल में देते हैं थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब कि उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं उन सभी फार्मर्स को जिनके पास लैंड है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, हर इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये देते हैं। फाइन, ये बेनिफिट्स हम उन फार्मर के फैमिलीज को देते हैं जिनके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं एक्सेप्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट झारखंड, क्योंकि इन स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजंस हैं जहाँ पे वो अपने फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। जो भी PM किसान बेनिफिशरीज हैं उनको एक किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है सो दैट फार्मर्स इजीली लोन भी ले सके बैंक से। इसके अलावा इसका क्राइटेरिया कहाँ है, कहाँ पे किन फार्मर्स इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स या जो पर्सन जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं इन लास्ट ईयर। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है USIS रोल बैक इन ईरान सेंक्शंस टू रिवाइव न्यूक डील। अगेन गाइज, ये जो न्यूज़ है हमारी कहाँ कवर होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी।
देखो 2000 में यूएसए ने क्या किया था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से मतलब कि बाहर निकल गया था। ड्रम के रूल में देखा उसने WHO से बाहर निकला, बहुत बहुत ट्रीटी से बाहर निकला, तो उसी तरह यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था कहाँ से, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ट्रीटी से, या फिर हम इसे ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं। हम काफ़ी बार पढ़ते हैं इसके बारे में, जो कहीं ना कहीं क्या करता है, इसके अंडर क्या करता है, यूएसए ने क्या किया था, कुछ न्यूक्लियर सैंक्शंस लगाए थे किस पे, ईरान में। ईरान ने डिमांड किया कि ये सभी सैंक्शन जो यूएसए ने हम पे लगाए हैं उसको रिमूव करना है, और यूएसए ने बोला कि नहीं, मैं ये सैंक्शंस आप पे लिफ्ट नहीं करूँगा, मैं आपसे सैंक्शन रिमूव नहीं करेगा। तो इस वजह से ईरान ने क्या किया, अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ जो करता था उसको बंद कर दी। अब क्या, सो दैट इस एग्रीमेंट को जिंदा रखा जाए, तो फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने एक बार्टर सिस्टम लॉन्च किया जिसे इंस्टेक्स बोलते हैं, सो दैट वो ईरान के साथ इजीली ट्रांजैक्शन कर। सिंपल बात ये है, देखो यूएसए ने क्या किया, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब ईरान के साथ कोई और कंट्री अगर ट्रेड करेगी तो यूएसए क्या करेगा, उन कंट्रीज पे भी क्या लगा देगा, सैंक्शन लगा देगा। इसलिए क्या किया, फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसी इन कंट्रीज ने क्या किया, अपना एक सिस्टम लेके आया इंस्टेक्स, सो दैट वो क्या कर सके, ईरान के साथ ट्रेड भी कर सके और यूएसए उन पर सैंक्शन भी ना लगाए। अब यूएसए ने बोला है कि अब वो क्या करेगा, ये जो सैंक्शन लगाया हुआ था वो उसको रिमूव कर देगा, फाइन, जो न्यूक्लियर डील के साथ कंसिस्टेंट नहीं, मतलब कि कहीं सैंक्शन यूएसए ने ऐसे लगाए थे जो मतलब कि सही नहीं थे, तो जो सही नहीं थे उन सैंक्शन को वो रिमूव कर देगा। अब ये इंडिया के लिए अच्छा होगा, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया अगर इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करता और यूएसए ने सैंक्शन लगाया तो यूएसए डायरेक्ट इंडिया पे भी सैंक्शन लगाता, फाइन, तो ये अब इंडिया के लिए बेनिफिशियल होएगा, बिकॉज इससे क्या होगा, इंडिया ऑयल्स ज़्यादा मतलब कि ईरान से सप्लाई ले सकता है और चाबहार पोर्ट की कंस्ट्रक्शन को भी जल्दी डेवलप कर सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, पाया था हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, एक एग्रीमेंट साइन होता है ईरान और 6 कंट्रीज में, P5+1 कंट्रीज, एक तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 5 कंट्रीज है, प्लस जर्मनी, दैट इज़ अ चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके एंड यूएसए, ठीक है, ये 6 कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट है बिटवीन ईरान एंड दिस 6 कंट्रीज़, जो 2015 में हुई थी। न्यूक्लियर डील किसके द्वारा ये साइन करवाई गई थी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 के द्वारा। ईरान इसके अंडर क्या था, ईरान को कुछ न्यूक्लियर रिलेटेड प्रोविजंस के साथ कॉम्प्लाई करना है, और ये सभी जो न्यूक्लियर प्रोविजंस है वो कौन वेरीफाई करता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिक्वायरमेंट सेट फोर्थ इन द एग्रीमेंट, फाइन। नेक्स्ट यू स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ इंडिया रशिया टू एस्टेब्लिश अ 2+2 मिनिस्टर डायलॉग बिटवीन द फॉरेन एंड डिफेंस। अभी क्या है ये, अगेन का जो न्यूज़ है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। इंडिया और रशिया ने 2+2 मिनिस्टर मीटिंग करी है। 2+2 मतलब क्या है, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग करेगा। 2+2 जो डायलॉग है, ये टर्म हम यूज़ किए जाते हैं किसके साथ, अगर हमें मतलब डायलॉग मतलब बातचीत करना हो बिटवीन टू कंट्रीज, डिफेंस के मामले में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज के बारे में, सो दैट हम क्या कर सकें, कुछ सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से रिलेटेड डिस्कशन कर सकें। इंडिया के आपको पता है क्वाड कंट्रीज हैं, उनके साथ 2+2 मैकेनिज्म होता है, जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है क्वाड कंट्रीज में 4 कंट्रीज, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अभी क्या है, इंडिया और रशिया अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रही हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या, मतलब किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहले रशिया आपको पता है बहुत ज़्यादा हमें कॉपरेट करता है डिफेंस और सिक्योरिटी में। रशिया इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर कंट्री है, आपको पता होगा S-400 हो गया, ब्रह्मोस, ये सब हमारे पास कहाँ से आए, रशिया से आता है। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी रशिया हमें कॉपरेट करता है, जैसे हम दोनों कंट्रीज इंडिया और रशिया किस किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स है, जैसे ब्रिक्स हो गया, शंघाई कोऑपरेशन, या फिर रशिया काफ़ी सपोर्ट करता है सो दैट इंडिया को परमानेंट सीट मिले कहाँ पे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा हमारा जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, हमारा जो हम चाहते हैं कि हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है वो बढ़े 30 बिलियन डॉलर तक बढ़े 2025 तक। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है हम दोनों के बीच में, चेन्नई वाटर्स मैरीटाइम कॉरिडोर है, और कॉपरेशन कर रहे हैं कहाँ पे, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। इसके अलावा हम स्पेस में भी कॉपरेट कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी 4 कॉस्मोनॉट्स को शोकेस किया हुआ है गगनयान मिशन के लिए, जो अभी जो मतलब सिंपल आपको पता है गगनयान में क्या है, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे 7 दिन के लिए, तो रशिया उनको ट्रेन कर रहे हैं उन एस्ट्रोनॉट्स को। न्यूक्लियर एनर्जी में कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो इंडिया में बिल्ड किया जा रहा है रशिया की कोऑपरेशन के साथ। चैलेंजेस क्या है,
कहीं ना कहीं जो रशिया के जो बॉनमीज है विद चाइना एंड पाकिस्तान, एंटी क्वाड एंड एंटी इंडो पैसिफिक, क्योंकि आपको पता है क्वाड में रशिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एंटी क्वाड हो सकता है, एंटी इंडो पैसिफिक स्टैंड होगा रशिया कलर और डिफरेंट स्टैंड ऑन अफगान पीस प्रोसेस। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। बैकग्राउंड देख सकते हैं आपकी इंडिया और रशिया के क्या क्या रिलेशन है। इंडिया और रशिया के अच्छे रिलेशन 1947 से, इंडिया और यूएसएसआर ने एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को भी साइन किया था अगस्त 1971 में, जिसमें हमने कुछ गोल्स को शेयर किया था सो देट अपनी रीजनल सिक्योरिटी, ग्लोबल पीस को हम क्या कर सके बढ़ा सकें। इसके अलावा जब आपको पता है 1990 में यूएसएसआर टूट गया था, जब इंडिया और रशिया एक न्यू ट्रीटी में आए थे, दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इन जनवरी 1993, और फिर बायलेटरल मतलब इंडिया और रशिया में जो मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो भी हुआ था 1994 में, ठीक है। 2000 में दोनों कंट्रीज ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी एस्टेब्लिश की थी, फाइन। तो ये हमने कुछ बैकग्राउंड पढ़ लिया। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, दैट इज़ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज इट्स एनुअल ग्लोबल ईवी रिपोर्ट आउटलुक 2021, फाइन। गाइज ये जो देखो एनर्जी एजेंसी आ गई तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ होगी, फाइन। अभी क्या है जो ग्लोबल ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक ने आइडेंटिफाई किया है कि हम किस तरह से अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द वर्ल्ड हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या किस तरह हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच हो सकें, रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। फाइंडिंग्स ये हैं कि वर्ल्ड की रोड पे 2020 के एंड तक 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स थी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो 2020 के एंड तक 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स एग्जिस्ट करती थी, और इलेक्ट्रिक कार के जो रजिस्ट्रेशन है वो 2020 में 41% बढ़े हैं हावर पैंडमिक के बाद भी, ठीक है। अब इंडिया की रिलेटिव फाइंडिंग क्या है, 30% जो न्यू व्हीकल्स हैं वो इंडिया में सेल हुए हैं और 2030 तक वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डिप्लॉयमेंट होगा वो अचीव हम कभी कर सकते हैं अगर हम सबसे पहले टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को इलेक्ट्रीफाई करें। इसके अलावा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है वो बहुत कम कर रही है अंडर द फेम सेकंड पॉलिसी, और वो फोकस कस पे कर रही है बेस भारत स्टेट सिक्स नॉर्म्स पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डेवलपमेंट थी या डिप्लॉयमेंट थी वो कहीं ना कहीं चुप गई है। आपको पता है हमने क्या किया जो अपने व्हीकल्स हैं सो दैट हम एनवायरमेंट पोल्यूशन कम कर सकें, डायरेक्ट BS4 से हमने BS6 पे स्विच किया, BS5 को हमने छोड़ दिया, फाइन। तो कहीं ना कहीं हम दोनों जगह देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं हम, BS6 नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या हुआ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डेवलपमेंट होनी थी वो कहीं ना कहीं हिंडर्ड हो गया। अब आपको पता होगा जो फेम सेकंड है वो बिल्ड ओवर द मतलब कि फेज सेकंड की जो स्कीम है वो सेम फेज वन पे ही पे चली है, और ये जो फेम वन स्कीम थी 2015 में शुरू हुई थी और उसको हमने एक्सटेंड कर दिया था टिल मार्च 2019, और ये किसके अंडर स्कीम है, फेम स्कीम अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। भारत स्टेज एमिशन जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रखे जाते हैं सो दैट हम एयर पोल्यूटेंट्स को रेगुलेट कर सके मोटर व्हीकल से। अप्रैल 2020 में इंडिया ने ऑफिशियली भारत स्टेज सिक्स नॉर्म्स पे स्विच कर लिया था सो दैट हम सेकेंड और फोर्थ व्हीलर्स को कम पोल्यूटेंट बना सकें। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, फाइन। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1973-1974 में जब ऑयल का क्राइसिस हुआ था सो दैट हम मेंबर्स को हेल्प कर सके कि सो दैट हम ऑयल सप्लाई प्रोवाइड कर सके विदाउट एनी डिसरप्शन, फाइन। इसके अंदर 30 मेंबर कंट्रीज हैं, 8 एसोसिएशन कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया है और 3 एसोसिएशन कंट्रीज हैं। इसमें अगर आपको मेंबर बनना है IEA का तो आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, जिस तभी इंडिया ने अभी तक वो फुलफिल नहीं करी इसलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। सबसे पहले आपको OECD का मेंबर होना पड़ता है, इसके अलावा आपको कुछ ऑयल स्टॉक्स इतने मेंटेन करने पड़ते हैं एटलीस्ट आपके पास अगले 90 दिनों का ऑयल स्टॉक हो, और इंडिया का सिर्फ 74 डेज का नाइन स्टॉक है, इसकी वजह से इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज़ द एग्जिट पोल वर्सेस ओपिनियन पोल। हमने ये पहले भी पढ़ा है, देखो एग्जिट पोल कब होती है जब लोगों ने वोट किया उसके बाद हम इमीडिएटली कंडक्ट कराते हैं और देखते हैं कि कौन जो पब्लिक है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और एग्जिट पोल्स हाउएवर बैंड होती है ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है उसको स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैन कर सकता है अंडर सेक्शन 126 क्लोज ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ओपिनियन पोल क्या होता है, मतलब कि ये वोटिंग से पहले का सर्वे होता है जिसमें ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि वोटर्स किसको वोट देना पसंद कर रहे हैं, फाइन। एग्जिस्टिंग लॉ अलाउ करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो ओपिनियन पोल को बैन कर सकता है 48 आवर्स पहले वोटिंग से। नेक्स्ट है वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। लास्ट ईयर क्या हुआ, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर इन्होंने डिसाइड किया था कि वो 10 मिलियन डोजेस को क्या करेगा, शिप करेगा वेरियस नेबरिंग कंट्रीज के पास जैसे श्रीलंका भूटान नेपाल बांग्लादेश के। हाउएवर इंडिया ने अभी क्या किया, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को रिज्यूम करने की बात कर रहे हैं अनटिल एटलीस्ट जुलाई, क्योंकि आपको पता है इंडिया में खुद
बहुत क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि अब ऐसा क्यों पड़ रहा है, क्योंकि कोविड-19 केसेस में बहुत ज़्यादा सर्ज हुए हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। और गवर्नमेंट का जो प्लान है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का, वो भी 1 मई से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट है मैक्स 1407, ये एक हाई यील्डिंग और पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी किसकी, सोयाबीन की। देखो अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए मैक्स किससे रिलेटेड है, सोयाबीन से रिलेटेड, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई है, कहाँ से, फ्रॉम मैक्स अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, किसके साथ कोलेबरेट करके ICAR के साथ जो कि न्यू दिल्ली में है। ये सूटेबल है सो दैट हम सोयाबीन को कल्टिवेट कर सकें कहाँ कहाँ पे, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ये व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स होता है, येलो सीड्स और ब्लैक हीलियम होते हैं। इनके सीड्स में 19.81% ऑयल का कॉन्टेंट होता है और 41% प्रोटीन होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन ट्विस्ट, आई थिंक ऑपरेशन ट्विस्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। देखो जैसे हमारा OMO होता है, लाइक दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, RBI जो गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करते हैं, उसी तरह रिसेंटली के जो RBI, उन्होंने क्या किया है कि एक ऑपरेशन ट्विस्ट स्टार्ट किया सो दैट वो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उनको लेके कम कर सके और मॉनिटरी ट्रांसमिशन को कर सके। ऑपरेशन ट्विस्ट एक सेंट्रल बैंक का एक मूव होता है, जिसमें जो RBI है वो डिसाइड करता है कि उसने क्या करना है, कि क्या वो लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा, वाइल मतलब कि इसमें क्या होता है, मेनली RBI डिसाइड करता है कि मैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को बेच के लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज़ है वो बाय कर लूँ, ठीक है। जो ऑपरेशन ट्विस्ट होता है इसमें जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, मेनली सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज कर सकते हैं ऑफ द सेम ड्यूरेशन, फाइन। मतलब कि अगर सपोज करो एक एक साल की 5 सिक्योरिटी थी, तो एक वो बेच के वो क्या करेगा, 5 साल की एक सिक्योरिटी ले लेगा, सिंपल बात ऐसे। नेक्स्ट है तिहाने, चाइना ने एक रिसेंटली एक क्या न्यू स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया है और वो कंप्लीट करेगा 2022 के एंड तक। इस मॉड्यूल का जो नेम है वो तियाने रखा है या फिर हार्मनी ऑफ द हेवन रखा हुआ है। तियाने फॉर्म्स द मेन लिविंग क्वार्टर्स फॉर 3 क्रू मेंबर्स, मतलब 3 क्रू मेंबर्स यहाँ रह सकते हैं चाइनीज स्पेस स्टेशन में, जिसके वहाँ पे 10 साल की लाइफ स्पैन होगा। इस पे जो स्पेस स्टेशन प्रोग्राम पे जो वर्क होगा वो 10 साल पहले शुरू हो चुका है, जब स्पेस लैब तियानगोंग फर्स्ट को लॉन्च किया गया था 2011 में, और उसके बाद तियानगोंग 2 को लॉन्च किया 2016 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड सस्पेंड्स चार धाम यात्रा, जो उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा होता है जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री होते हैं, उसकी यात्रा को भी बैन किया है। यहाँ पे 4 होली श्राइन्स होते हैं जो लोकेट है गढ़वाल रीजन उत्तराखंड के, जो डेडिकेटेड आपको पता होगा हिंदू गॉड्स और होली रिवर्स ऑफ इंडिया। ये डिफरेंट है फ्रॉम चार धाम्स ऑफ इंडिया, मतलब कि उत्तराखंड के चार धाम ही 4 होते हैं, लेकिन इंडिया के चार धाम कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका है, जो आदि शंकराचार्य ने फाउंड आउट किए थे। कुछ न्यूज़ में प्लेसेस है जरा हम देख लेते हैं। प्लेन ऑफ जार्स, जो प्लेन ऑफ जार्स हैं वो सेंट्रल लाओस में लोकेटेड है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इनको अपना नाम कहाँ से मिला था, 2100 ट्यूबुलर शेप्ड मैगालिथिक स्टोन जार से, जिसको यूज़ किया जाता था फॉर फ्यूनरी प्रैक्टिसेस, मतलब आयरन एज में जब मतलब कि प्रैक्टिसेस बर्न एक्सरसाइज के लिए, तब इसको यूज़ किया था। इंडिया में ऐसे जो जियांट बुरुनल अर्न्स हैं वो तमिलनाडु का पार्ट हुआ करते थे 2000 साल पहले, जिसको हम मुद्दुमकाल थाजी भी बोलते थे। लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ द IOC चार्टर रूल 50 रिसेंटली क्या है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने रूल 50 को अपहेल्ड किया और उसमें एथलीट प्रोटेस्ट को प्रोहिबिट किया ओलंपिक गेम्स में, मतलब कि कोई भी एथलीट प्रोटेस्ट नहीं कर सकता ओलंपिक गेम्स में। रूल ने प्रोहिबिट किया कि कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन चाहे पॉलिटिकल, रिलीजियस या रेशियल हो, वो वेन्यूज में नहीं हो सकती या किसी भी ओलंपिक एरिया में नहीं हो सकती। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन है वो गार्डियन ओलंपिक गेम्स का एक तरह का कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है ऑफ कोलेब्रेशन बिटवीन सभी ओलंपिक स्टेक होल्डर्स के बीच में, इंक्लूडिंग एथलीट्स, नेशनल ओलंपिक कमिटीज, इंटरनेशनल फेडरेशन एक्सेट्रा। इसका विजन यही था कि हमें एक बेटर वर्ल्ड को बिल्ड करना थ्रू द सपोर्ट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले, बाय, टाटा।